हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल। कहा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जो कि एबीसी है। ओके, मैं बना के अभी आपको दिखाऊंगा एट ए। तो हम मैं यहाँ पर एक राइट एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये है ट्रायंगल ए बी सी, इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये है ट्रायंगल ए बी। और एक चीज और यहाँ पे कह रहा है कि एट एंगल ए, जो राइट एंगल है वो ए से, यानी जो राइट एंगल बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। तो ए जो लेंगे वो आप यहाँ पे लेंगे, आप यहाँ पे ए नहीं ले सकते, आप यहाँ पे ए नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। ओके, वो कह रहा है यहाँ पर राइट एंगल एट ए, तो आपको जो राइट एंगल है जो 90 डिग्री बन रहा है वो आपको यहीं पर लेना पड़ेगा जहां पे परपेंडिकुलर और आपके बेस की लाइन होती है। ठीक है, तो आप यहीं पर लेंगे। यहां पे साफ साफ कह रहा है राइट एंगल एट ए, तो ये ए हो गया। अब बी चाहे तो इसको ले लिए, चाहे तो इसको ले लिए, आपकी मर्जी। मैं यहां पर बी इसको ले लेता हूं और सी ये हो जाता है। तो ये हो गया एंगल ए बी सी। अब कह रहा है इन ईच फॉलोइंग राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन बी, कॉस सी एंड टाइम बी। हम लोग को वैल्यू क्या निकालनी है दोस्तों? हम लोग को वैल्यू निकालनी है साइन बी की, हमें निकालनी है कॉस सी की, और हमें निकालनी है टैन बी की। इन तीन की वैल्यूज निकालनी है। और कहा गया है जो ए बी है, यानी अब हम कर लेते हैं, जो ए बी है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ पर जो ए सी है, मैं यानी ये नहीं, बेस जो है ए सी वो है 21 सेंटीमीटर, और बी सी है यानी हाइपरटेन्यूज है हमारी 29 सेंटीमीटर। तो ये सब यहाँ पर डाटा हमें दिया गया है। ओके, सेंटीमीटर में हम लोग को ये दी गई हैं। अब हम लोग को निकालना है साइन बी कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, लोग ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। देखिए साइन बी लिख लेते हैं। अब साइन बी क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया होगा साइन बी कॉस सी ये सब क्या है, टैन है, ये सब रेशियोज हैं आपके इन्हीं ट्रायंगल की लेंथ के। इसको याद करने के लिए मैंने एक एनालॉगी बताई थी, वो थी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नीचे हर फिर एच फिर बी, हर हर बोले। तो यहाँ पर पहला वाला आपका साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, और तीसरा वाला टैन होता है। तो यहाँ पर साइन क्या है, परपेंडिकुलर हाइपरटेन्यूज, कॉस है आपका बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज, और टैन है परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो साइन आपको निकालना है, तो साइन आप क्या करोगे, डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज ले लोगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, 20 है। ओके, हाइपरटेन्यूज क्या है, 29 है। ये लिख लेते हैं दोस्तों, मगर ये हो जाता है रॉन्ग। यही करते, तो यही गलती दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं करती है, करनी है। और आप देख भी रहे होंगे, जब आप बुक में आंसर लगा रहे होंगे, आपका ये आंसर नहीं आ रहा हो, तो हम लोग क्या करें? आप बिल्कुल फॉर्मूला भी सेम लगाए, तो क्या दिक्कत हो रही है कि आपका आंसर नहीं आ रहा? तो दोस्तों यहां पर जो आपको निकालना है, वो निकालना है आपको साइन बी निकालना है। साइन बी यानी यहाँ पर जो बी है ना, वो थीटा होता है दोस्तों। आप देख रहे हो ना, ये सब एंगल्स बने हुए, ये एक एंगल साइन ए एंगल है, एक साइन, ये एक एंगल ए है, ये एक एंगल सी है, ये एक एंगल बी है। तो दोस्तों अगर आपको साइन बी निकालना है, तो दोस्तों साइन बी को आपको बेस, इसको बेस बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप साइन सी निकाल रहे हो। आप ऐसा अगर कर रहे हो, तो आप साइन सी निकालोगे, जो आपने पहले निकाला था ना परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, वो आपने 29, ये आपने साइन सी निकाला था। क्यों? क्योंकि आपने बेस क्या लिया था, ये लिया था। ठीक, तो अगर आपको साइन बी निकालना है, तो बेस इसको लेके चलना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरह से। लाइए मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करें कुछ अच्छे से। यहाँ पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसको हल्का सा घुमा लेते हैं, हम लोग इसको यहीं पे रख लेते हैं, ये बार बार घुमा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको अगर कुछ इस तरह से देखें, देख रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से देखें,
हमें लगता है इसको थोड़ा हमें दूर करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको साइंस को यहीं पे लिख लेते हैं और ये मिटार देते हैं यहाँ पर हम लोग इसको। ओके, अब हम इसमें नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका, इसको बीच में ले आते हैं वरना फिर से नौटंकी मचाएगा, तो यहाँ पे ले आते हैं और इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और सॉरी आपको ए यहाँ पे लेना था, ए आपका यहाँ पे था, तो ये हो गया ए। ओके, और यहाँ पे आपने बी लेट कर लिया था और ये सी लेट कर लिया था। ओके, और इसकी लेंथ क्या थी? लेंथ दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से थी, यहाँ पर जो आपकी ए बी थी वो आपकी 20 सेंटीमीटर थी, और आपकी जो ए सी थी वो 21 सेंटीमीटर थी, और जो बी सी थी वो 29 सेंटीमीटर थी। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिख लिया और अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए अब हमें जो लेना है वो एंगल इसका लेना है, ठीक। अब हमें जो एंगल लेना है वो कुछ इस तरह से लेना है, देख रहे हैं आप। ये अब जो एंगल लेंगे वो ये लेंगे। अब हमें साइन भी निकालना है तो इसको रेफरेंस लेके चलेंगे। ये रेफरेंस देखिए, अब यहां पर हमने जब करा तो यहां पर जो एंगल ए था वो राइट एंगल ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, ये आपका 90 रहा। अब यहां पर आपका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका बन जाता है 21, और बेस क्या बन जाता है 20। तो अब यहां पे जो साइन भी निकालेंगे वो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो अब यहां पर परपेंडिकुलर ये है आपका, तो परपेंडिकुलर है 21 और बेस है आपका 20। क्यों? क्योंकि हम बी के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं ना कि सी के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमने साइन भी निकाल लिया। अब साइन भी निकाल लिया, अब हम इसी तरह से निकालेंगे कॉस सी। जब कॉस सी निकालेंगे, सी ओ एस कॉस सी, तो कॉस सी में क्या होता है, बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूस। अब हमें कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी निकालना है दोस्तों, तो कॉस सी इसको बेस लाना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बी को लाए तो इसको हम लोग को बेस लाना पड़ेगा, तो फिर से हम लोग को रोटेट करना है। तो फिर से दोस्तों इसको रोटेट करते हैं, इसको इसको यहाँ पे हम लोग रोटेट करते हैं। ओके, इसको हम लोग फिर से बिगाड़ देते हैं। या तो इसको डायरेक्ट यूं ही से इरेज कर देते हैं। ओके, और अब इसको हल्का सा रोटेट कर लेते हैं हम लोग यूं करके। ओके, अब यहां पे हमने क्या लिया था, हमने लिया था यहां पर ए, ये था बी एंड इट्स सी, ये 90 डिग्री था। ओके, और जो लेंथ थी वो थी आपकी ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 29। और आप अब आपको निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी दोस्तों देखिए बेस में है, अब लगाएंगे। ओके, तो कॉस अब यहां पर इस एंगल पे बन रहा है। ओके, तो अब सही है, अब हम लोग लेंगे, क्योंकि जब कॉस सी निकाल रहे हैं ना तो वो वाला जो एंगल है वो आपका बेस होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। तो बेस हमारा क्या है, 21 है, क्योंकि कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूस। तो बेस है आपका 21 और हाइपरटेन्यूस कितना है आपका 29। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कॉस सी भी निकाल दिया। ओके, अब हमें निकालना है टैन बी, हम लोग टैन बी निकाल देंगे, टैन बी। टैन बी दोस्तों क्या होता है, टैन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो यहां पर भी हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस हम लिख देंगे क्या, 20 अपॉन का 21, नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे सी बेस में है, नीचे वाला थीटा क्या है, थीटा आपका भी सी है। हम लोग को थीटा किसको बनाना होगा, बी को बनाना पड़ेगा, बी को रोटेट करना होगा, रोटेट करके। ओके, तो हम इसको फिर से अब रोटेट करेंगे, ये तो आपका गलत है ही, ठीक। तो फिर से इसको रोटेट करेंगे हम लोग यहां पर, इसको फिर से यू करके रोटेट कर लेते हैं, इसको यू घुमा लेते हैं। अब ये आपका क्या बन गया,
ये बेस पे आ गया, ठीक, ये आपका एंगल बन गया, ये चीज आपका एंगल हो गया। अब इस हिसाब से, क्योंकि अब ये एंगल है, तो यहां पर जो बी है इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में यहां पर परपेंडिकुलर क्या है 21 और बेस क्या है 20। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फाइंड करेंगे, जिस जिस एंगल का पूछा जाए वो एंगल आपका बेस होना चाहिए, वो बेस पे होना चाहिए। जैसे बी था तो आपका ये बेस में था। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर होंगे, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो इस तरह से वैल्यूज को फाइंड करेंगे। खासकर इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा थीटा का, थीटा दिया गया, अल्फा दिया है, साइन बीटा, कॉस सी, टैन बी, इनकी वैल्यूज को ध्यान से रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा जिस एंगल का पूछा है उसी एंगल को बेस मानकर चलेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू फाइंड दैट वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक दैट, एंड इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दैट कंटिन्यूसली सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। सो फॉर दैट टिल देन टेक केयर, गुड बाय।